साड़ी पर उकेरी गई महिला उत्पीड़न की वारदातें, द्रौपदी मुर्मू से स्मृति रानी तक को भेजी गई साड़ी, महिला उत्पीड़न के खिलाफ हल्ला बोल, इस साड़ी को गौर से देखिए, ये साड़ी सबूत है कि कैसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये साड़ी नंगे हो चुके समाज की बेशर्मी को ढकने के लिए है। इस साड़ी पर काल्पनिक ग्रंथ महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण से लेकर मणिपुर हिंसा जैसी वारदातों को उकेरा गया है, ताकि जब हमारे नेता इसे देखें तो वह शर्मसार हो सकें और महिलाओं को बचाने के लिए कुछ काम करें। स्मृति ईरानी जैसी बीजेपी की महिला सांसद कथित फ्लाइंग केस जैसे मसलों पर तो खूब हल्ला करती हैं, लेकिन मणिपुर जैसी वारदातों पर कुछ नहीं बोलती। दलित और आदिवासी महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर उनका मुंह नहीं खुलता। अब ये साड़ी उन्हें भी भेजी जा रही है, तो देखना होगा कि क्या स्मृति ईरानी इस साड़ी को मिलने के बाद इस साड़ी को पहनती हैं और दलित महिला आदिवासियों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कुछ बोलती हैं। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से आई हैं। ये महिलाएं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तमाम महिला सांसदों और नेताओं को जगाने की कोशिश कर रही हैं। अहमदाबाद के दलित शक्ति केंद्र में महिलाओं के सम्मेलन में एक साड़ी बनाई गई, जिसमें दलित आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार की हालत को दिखाया गया है। ये साड़ी भारत की राष्ट्रपति, तीन महिला राज्यपालों, सभी राजनीतिक दलों की दो महिला नेताओं, महिला हिंसा के मुद्दे पर आवाज उठाने वाली महिलाओं, पत्रकारों, महिला कार्यकर्ताओं और संवेदनशील महिला कलाकारों को भेजी गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वो ये साड़ी भारतीय स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को झंडारोहण के कार्यक्रम में पहने, ताकि आजादी के अमृत महोत्सव में हमारा देश देख सके कि आजादी मिलने के इतने साल बाद भी दलित आदिवासी महिलाओं को इतनी यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। आयोजकों की ओर से शेयर की गई प्रेस रिलीज में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2021 तक दलित आदिवासी महिलाओं से बलात्कार के 31,967 मामले सामने आ चुके हैं, यानी आजादी के बाद रजिस्टर हुए दलित आदिवासी महिलाओं से बलात्कार के कुल मामलों में से 40% अकेले मोदी सरकार के पिछले 8 सालों के दौरान दर्ज किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मणिपुर हिंसा पर तुरंत कंट्रोल किया जाए और दलित आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर लगाम लगाई जाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने राष्ट्रपति और महिला नेताओं से अपील की है कि वो इस साड़ी को 15 अगस्त को झंडा फहराते वक्त जरूर पहने। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की दलित आदिवासी महिलाओं की ओर से भेजी गई साड़ी को पहनती हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।